हेलो दोस्तों, आज आपको एयरटेल मनी का एक ऑफर के बारे में बताएंगे जिनमें आपको एड मनी करने से 50 रुपये का फ़ायदा होगा। आपको 2000 रुपये का एड मनी करना पड़ेगा और आपको 25 रुपये का एक्स्ट्रा दिया जाएगा एयरटेल के तरफ से, और आप इस ऑफर को 2 बार इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपने दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते। तो चलिए शुरू कर लेते और ऑफर के बारे में जान लेते हैं, इन डिटेल्स आपको बता देते। आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर है, फुल KYC कस्टमर है, तो आपके लिए ये ऑफर नहीं है। आप अगर एयरटेल वॉलेट कस्टमर है तो आपके लिए ये ऑफर है। तो चलिए देख लेते, ठीक है, आ जाइए और आपको दिखा देते। पहले आपके इन डिटेल्स चेक करा देते और इधर आपको किधर जाना है वो भी बता देते, ऑफर आपको किधर देखने को मिलेगा। तो पेमेंट्स बैंक आपको ऊपर दिख जाएगा, तो पेमेंट्स बैंक के ऊपर आपको पहले जाना पड़ेगा। पेमेंट्स बैंक के ऊपर जाने से आपको इधर नीचे एक ऑफर करके ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए ऑफर। ऑफर सेक्शन पे आप आ जाएंगे तो ऑफर सेक्शन पे आपको बहुत सारे ऑफर दिख जाएगा, उसी के अंदर आपको एक ऑफर दिखेगा, ये देखिए ऑफर है। तो इसके अंदर जाते हैं और इसके पूरे डिटेल्स चेक कर लेते, ठीक है। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है चेक कर लेते। टर्म्स एंड कंडीशन खुलेगा या नहीं खुलेगा मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करते, नहीं तो खुल रहे तो और एक बार ट्राई करते। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन खुल गया है और इधर बताया गया है आपको 2000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना है। एक कैशबैक 25 विल बी गिवेन, आपको दिया जाएगा 25 दिया जाएगा, और आपको ये दिया जाएगा 3 दिन के अंदर, ठीक है। और 1 यूज़र कैन गेट मैक्सिमम 50 कैशबैक इन ए मंथ, एक महीने में आपको 50 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। इसके मतलब आपको 2000 करके 2 बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, टोटल 4000 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ बताया गया है, और जो पहले मुझे बताया था आपको, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऑल्सो रिजर्व टू डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू कर देंगे, उन लोगों के पास राइट है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिजर्व टू राइज डिसक्वालीफाई एयरटेल पेमेंट्स बैंक यूजर फ्रॉम बेनिफिट्स इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट, और ये भी बोला गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कस्टमर है उन लोगों के नहीं मिलेगा, उन लोगों के ये ऑफर भी शो नहीं होगा शायद। तो चलिए अभी जाके एड मनी कर लेते हैं 2000 रुपीज़ का, और इसको पेटीएम में विड्रॉल करके भी आपको दिखाते हैं। फिर से उसी मनी को इस्तेमाल करके आपको 2000 रुपीज़ एड मनी होगा, इधर एड मनी होगा, और फिर से पेटीएम में वापस जाएगा, पेटीएम से फिर से इधर वापस आएगा, इस तरह से आपको 50 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए एड मनी कर लेते हैं और आपको दिखा देते। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, आपको KYC को अपडेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब KYC में फॉल्स डिटेल्स डाल सकते हैं, मगर पैसे के बारे में बोलेंगे, थोड़ा सा सही डिटेल्स डालेंगे तो आपको पैसा नहीं अटकेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक तरह से हो जाएगा। तो चलिए दिखा देते। अभी आपको जाके वॉलेट सेक्शन पे आ जाना है और इधर जाके आपको एड मनी कर देना है। तो अभी एड मनी कर लेते, ठीक है। एड मनी पे आपको जाके इधर 2000 लिख डालना है, और 2000 से ऊपर एड मनी भी नहीं होगा। तो चलिए 2000 एड मनी कर लेते और आपके सामने ही पूरे प्रोसेस करेंगे, कौन से प्रोसेस से पेमेंट करेंगे वो भी आपके सामने पूरे करके दिखाएंगे, और पेटीएम पे भी एड मनी करेंगे, ठीक है। अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और देख लेते। ये देखिए खुल के ओपन हो गया है। अभी भीम UPI और न्यू कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन है, इधर आप पेटीएम का डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भीम UPI का भी एक नया ऑप्शन अभी इधर दिया गया है। तो चलिए भीम UPI से पेमेंट कर देते, पेटीएम का इधर UPI लिख देते हैं और वेरीफाई करने के बाद पेमेंट कर देते। पेटीएम पेमेंट्स में थोड़ा सा ग्लीच है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस तरह के मैसेज मुझे मिला, इसलिए मैं फ़ोनपे का भीम UPI ID डाल दिया, और मुझे 180 सेकेंड के अंदर इसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। मुझे फ़ोनपे के अंदर मैसेज मिल चुका है, तो चलिए रीडायरेक्ट हो जाते और पेमेंट कर देते, ठीक है। तो आपको इधर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो आ जाते और आपको दिखा देते।
अभी आप देख सकते हैं मुझे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के तरफ से 2,000 रुपीज़ का एड मनी का जो नोटिफिकेशन है मिल चुका है। तो चलिए पे कर देते हैं। पेटीएम में कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहे हैं, इसलिए मनी जब पेमेंट करने गए थे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये भी पेटीएम का ही अकाउंट है, तो चलिए पेमेंट करते और देखते। तो सेंड कर देते और इधर आपको जाके एम पिन दे देना है तो पेमेंट हो जाएगा। शायद कुछ देर लग जाए, तो ट्राई तो करते हैं और एक बार बताते हैं, ठीक है। तो मुझे एम पिन का ऑप्शन आ गया है, तो चलिए पेमेंट करते। एम पिन बिठा देने के बाद चलिए सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि पेटीएम में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। जब चेक करने गए थे तब भी प्रॉब्लम हो रहा था, लोड नहीं हो रहे थे बैलेंस। और देखते हैं, ट्रांजैक्शन पेंडिंग अभी है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल सक्सेस भी हो गया है, तो चलिए डन कर देते हैं और जाके चेक कर लेते हैं इस बैलेंस को हम लोग कैसे फिर से पेटीएम में ले जाएंगे, इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो अभी देखते हैं और आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखाते। ये देखिए मुझे 2100 रुपीज़ मिल चुका है, और जो ये 100 रुपीज़ का पहला जो आप देख रहे थे 100 रुपीज़, ये भी मुझे बिल्कुल ही मुफ्त में मिला है पेटीएम के तरफ से। पहले बार मनी लोड करके मैं एक मेडिसिन खरीदा था, मेडिसिन का पेमेंट किया था, उसमें भी मुझे 10% का कैशबैक मिलेगा। 900 रुपीज़ पेमेंट किए थे, तो कोई भी जो मर्चेंट होगा, मर्चेंट अकाउंट को पेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पहले बार के लिए लोड करने के लिए दिया जाएगा। तो अभी इसको हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, तो आपको इधर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जाएंगे तो आपको इधर एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, ऑनलाइन कार्ड दिया जाता है। इस ऑनलाइन कार्ड को इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जाते हैं, ऑनलाइन कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और देखते, ठीक है। तो आपको तो सिक्योरिटी के रीज़न ये ऑनलाइन कार्ड नहीं दिखा सकते, तो ऑनलाइन कार्ड को इस्तेमाल करके पेटीएम में एड मनी करते हैं, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पेटीएम ओपन करेंगे और एड मनी ऑप्शन पे आ जाएंगे। एड मनी ऑप्शन पे आने के बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको 2,000 रुपीज़ लिख देना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है वो भी आपको बता देते, और आपको जाके एड मनी कर देना है। एड मनी करने के तुरंत ही बाद आपको क्या करना है, आपको उधर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड चूज करेंगे और एयरटेल का जो डेबिट कार्ड होता है ऑनलाइन कार्ड, उस कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो इधर आपको पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए डेबिट कार्ड को चूज कर लेते और जल्दी जल्दी पेमेंट कर देते और आपको पूरे प्रोसेस दिखाते। अभी आप एम पिन से करना चाहते हैं या आप OTP से करना चाहते हैं, ये आप लोग को पूछेगा। तो आप एम पिन डाल दीजिएगा तो एम पिन से हो जाएगा, OTP डाल दीजिएगा तो OTP से हो जाएगा। चलिए मैं एम पिन से कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबमिट कर देते और इधर जाके एम पिन डाल देता हूँ, ठीक है। एम पिन डालने के बाद देखेंगे प्रोसेस हो रहा है, और ये देखिए प्रोसेस हो जाएगा सक्सेसफुल और योर पेटीएम वॉलेट क्रेडिटेड हो गया है। अभी पेटीएम वॉलेट पे 2,000 रुपीज़ मुझे मिल चुका है, और आपके पास पेटीएम अकाउंट, अब जो आपके चार्ज लगता है इस तरह के अकाउंट होगा, तो अब मर्चेंट अकाउंट है आपके पास, तो मर्चेंट अकाउंट को पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपको दूसरे दिन बिना जो चार्जेस है हो जाएगा। आपको 2,000 रुपये कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ेगा और आपके 2,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रोसेस को और एक बार दोहराते हैं और आपको दिखाते। इसी प्रोसेस को आप और एक बार दोहरा लीजिएगा तो आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर से आपको क्या करना होगा, माई एयरटेल ऐप को ओपन कर लेना है। इसी प्रोसेस को आप फिर से एक बार इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको जो 25 रुपये करके मिल जाएगा, दो बार कीजिएगा तो आपको दो बार करके 50 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप भी एक बार और कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और भी 2-3 मिनट लग जाएगा, बहुत ही बड़ा हो गया इस तरह से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।